सिक्स मंथ्स हो गया लेकिन अभी तक हम लोग को फंड एलोकेशन नहीं है, कुछ नहीं है, टूटा पड़ा है समिति एकदम। जीत के इतना सिक्स मंथ्स हो गया, आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे। अपना काम कर रहा है, जिला अपना काम कर रहा है, लेकिन समिति हम बीच में ऐसे बैठ कर दोनों का तमाशा देखने का तरह मेरा हो गया। ऊपर का छत देखिए, कभी भी आप जब खड़ा है उसको ऊपर ही देखिए, कब टूट के गिरेगा। नमस्कार, मैं अनिता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज अंडमान के बहुत सारे समिति मेंबर्स एकत्रित हुए फिरारगंज के समिति ऑफिस में, जहाँ प्रमुख उप प्रमुख के साथ और भी समिति मेंबर्स मौजूद थे। उनके इस मीटिंग में उन्होंने उन पर हो रहे परेशानियों को लेकर सलाह मशवरा किया और कुछ प्रेस वालों के सामने प्रमुख तथा उप प्रमुख ने अपनी समस्याओं को रखा ताकि जनता इनको समझ सके और अंडमान प्रशासन जल्द से जल्द कोई हल निकाले। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम आए हैं फरारगंज के, जैसे आप देख सकते हो, पंचायत समिति भवन में। यहाँ पे आज एक मुद्दा ये है कि जितने भी समिति मेंबर्स हैं उन लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कि उन लोगों को काम करने का मौका नहीं मिल रहा है, उन लोगों के पास फ़ंड नहीं आ रहे हैं, जबकि जिला के पास फ़ंड आ रहे हैं, प्रधान के पास फंड आ रहे हैं, मगर समिति को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस विषय में इन्होंने जितने भी समिति हैं, समिति मेंबर्स हैं पूरे अंडमान निकोबार के, जैसे आप सब जानते ही होंगे कि पूरे अंडमान में टोटल डिगलीपुर से लेके कैंपबेल बे तक 7 समिति हैं और कई सारे मेंबर्स हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो समिति है वो फरारगंज समिति है, जिसके अंडर में बहुत सारे समिति मेंबर्स आते हैं, मगर जब फंड ही नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे। इन्हीं दिक्कतों को लेकर आज हम बात करेंगे समिति मेंबर्स से, प्रमुख से, समिति प्रमुख से, उप प्रमुख से, और जानेंगे कि असली दिक्कत क्या है। पंचायत समिति फरारगंज का प्रमुख हूँ और सबसे पहले फंड हमारा इशू ये है कि समिति एबॉलिश होने के बाद फिर से इलेक्शन हुआ, फिर से उसको रिकन्स्टिट्यूट करे इलेक्शन हुआ, फिर हम लोग मार्च में इलेक्शन हुआ, अभी मार्च से लेकर अभी तक का अक्टूबर स्टार्ट हो गया। ये इतना टाइम पीरियड में सिक्स मंथ्स हो गया लेकिन अभी तक हम लोग को फ़ंड एलोकेशन नहीं है। नो फंड, नो मेंटेनेंस, नो नथिंग इज देयर। समिति एक पोस्ट सिर्फ है और समिति का प्रमुख है बोल के बस एक नाम के लिए है और कुछ और कुछ इसका अलावा कुछ आगे चल नहीं रहा है। हम लोग इसके लिए बहुत जगह बात कर लिए, सर सेक्रेटरी आरडी सर से बात किए, वो सारा जगह बात किए, सारा हो रहा है करके बोल रहा है लेकिन अभी तक कुछ भी मतलब वर्क स्टार्ट नहीं हुआ। तो पंचायत, ग्राम पंचायत सब जैसा वर्क करते हैं, जिला में भी फंड एलोकेट करिए, जिला भी काम करते हैं लेकिन समिति ऐसी है, कुछ नहीं है, टूटा पड़ा है समिति एकदम। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जैसा पंचायत को, जैसा पंचायत चल रहा है, जैसा जिला चल रहा है, वैसे समिति भी चले। अगर एबॉलिश होने के बाद रिकन्स्टिट्यूट करा है तो फिर उसको रीओपन करने के बाद सारा जितना भी जैसा ही वर्क पहले चल रहा था वैसा ही स्टार्ट होना करके हम चाह रहे हैं, लेकिन अभी सिक्स मंथ्स हो गया, अभी ये फाइनेंशियल ईयर में भी, अब मार्च फाइनेंशियल ईयर है तो अभी इतना तक का फंड नहीं आया। मार्च में अगर फंड देगा तो हम लोग एक साल पूरा वेस्ट हो गया, तो हम लोग पब्लिक को क्या जवाब देगा। पब्लिक हमारे ऊपर ऐसे ही कर रहे हैं कि आप लोग जीत के इतना सिक्स मंथ्स हो गया, आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं कर रहे करके बोल रहे हैं। आया था कि जितना ही पंचायत को एबॉलिश होने टाइम में, समिति एबॉलिश होने टाइम जो भी एसर्ट्स रिटर्न हुआ था, वो सब समिति को रिटर्न करने के लिए नोटिस आया था, वो नोटिस का ही हम लोग, तो अभी नोटिस आके अभी 15-20 डेज हो गया, तो हम लोग कितना एसेट्स रिटर्न आया, कितना पंचायत हम लोग हैंड ओवर किया, हम लोग वही मामला पता करना था। तो अभी पता हुआ, अभी तक तो कुछ नहीं आया, फिर से प्रेशर और ही देंगे कि सारा पंचायत को कि और सारा जो भी है जल्दी से जल्दी एसेट्स रिटर्न करें। उसमें रेवेन्यू जनरेशन वाला एसेट्स भी बहुत सारा है, तो उससे अगर एटलीस्ट कुछ हमारे समिति चलने के लिए कुछ अगर होता है तो अच्छा है, बात है। इसलिए BDO सर ने तो एश्योरेंस दिया है कि हम फिर से एक लेटर भेजेंगे, फिर से मतलब अभी 20 डेज हो गया और अभी फिर और एक लेटर जाएगा कि जल्दी से जल्दी भेजने के लिए, ऐसा तो बोले हैं, पर सर का ऑर्डर के ऊपर है। जो वर्क होता है पूरा पंचायत में सारा वर्क डिस्ट्रीब्यूट होता है, पंचायत प्रधान को अलग, समिति को अलग और जिला को अलग, तो अपना अपना वर्क तो अपना अपना करता है। प्रधान अपना जितना वर्क प्रधान को ऊपर आता है वो प्रधान अपना कर रहा है, जिला को जितना वर्क आता है जिला कर रहा है, पर समिति का वर्क ऐसे ही रुका है। तो समिति बोल रहे सब भी समिति का वर्क है, ये वर्क हो नहीं रहा है, तो अभी रेन्यूवेशन वर्क और रोड का वर्क हो, जो भी वर्क सारा वर्क रुका पड़ा है, अभी बिल्कुल भी कोई भी वर्क अभी स्टार्ट करने लायक ही नहीं है। CS सर से भी हम लोग मिले, CS सर भी मिले,
एश्योरेंस दिया है कि आपको आप लोग का मतलब जल्दी हो जाएगा काम, आप लोग फाइनेंस में है फाइल बोल के बोले तो अभी तक, लेकिन मिलके सीएसआर से मिलके भी अभी मोस्टली वन मंथ हो रहा है, उसका बाद स्टाफ का भी दिक्कत, स्टाफ का भी सैलरी दिक्कत हो रहा था, तो हम लोग उसके लिए भी डिस्कशन करें तो स्टाफ का सैलरी परमानेंट स्टाफ है उन लोग एचजीसी ओएस उन लोग सबका सैलरी भी रुका था, थ्री मंथ्स हो गया था सैलरी रुका था, और वो सैलरी भी उन लोग को हम जब सीएसआर से मिल के आने का एक हफ्ता के बाद उस लोग को सैलरी रिलीज हुआ है, बस यही बात यही रिलीज़ हुआ और कुछ उसका बाद और कुछ वर्क टेकअप नहीं हुआ। अरे बंद होना खुलने की वजह से ये दिक्कत आई है, अगर बंद हो के फिर खुलना अगर खुलता है बोल के मिनिस्ट्री से ऑर्डर आने टाइम में इलेक्शन करवा रहे हैं तो सारा चीज़ पहले से ही एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान, हम लोग जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम लोग बैठ जा रहे हैं सबका सामने, तो हम ये चाहते हैं कि पंचायत जैसा चल रहा है जिला जैसा चल रहा है वैसे हम लोग रिकन्स्टिट्यूट करने के बाद वैसा ही हम लोग नॉर्मल वे में जल्दी से जल्दी चालू करने के लिए हम लोग चाहते हैं। अपना काम कर रहा है, जिला अपना काम कर रहा है, लेकिन समिति हम बीच में ऐसे बैठ के दोनों का तमाशा देखने का तरह मेरा हो गया, और हम लोग इतना मेरा जो जितना भी जो समिति मेंबर है जो 19 मेंबर एक से एक एक्टिव मेंबर है, लोगों के बीच में जाके कुछ ना कुछ प्रोग्राम कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ काम करते रहते, लोगों का सुझाव देते स्कीम्स के बारे में बताते, प्रधान अगर हम लोग को नहीं बोला, जिला हम लोग को नहीं बोलने के बावजूद भी हमको जो जानकारी आता है या सोशल मीडिया तरफ से या कोई डिपार्टमेंट की तरफ से उसको हम इम्प्लीमेंट कराते, तो ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन हम फंड के लेके अभी जैसे रिनोवेशन का काम है, जैसे अभी हमारा जो ऑफिस आप देखेंगे हमारा ऑफिस का जो समिति बिल्डिंग वो इतना हालत खस्ता खराब है, ऊपर छत देखिए, ऊपर का छत देखिए, कभी भी आप जब खड़ा है उसको ऊपर ही देखिए कब टूट के गिरेगा। तो हम ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से जल्द हमारा जो डिमांड नहीं बोलते हमारा राइट्स है, ये राइट्स को हमको फुलफिल करिए, हम डिमांड नहीं बोलेंगे राइट्स को बोलते हैं, कि हमारा को 7 महीना वेट करना पड़ता और कितने दिन वेट करना ये मुझे नहीं मालूम। जब ये सब यहाँ पर खड़े हो कि आप अपना अधिकार को मीडिया के माध्यम से बोल रहे हैं, लोगों को मालूम हो कि हम कितने तकलीफ से काम कर रहे हैं, कि हमको कोई तरह का मदद नहीं है, फिर भी हम लोगों के बीच में हर दुख तकलीफ में खड़े रहते हैं। हमारे जितने भी समिति मेंबर आप कहीं भी पूरा, मैं फरारगंज तहसील का समिति मेंबर का हर जगह आपको 7 समिति है, जैसे भी मान लीजिए कैमलबे में एक समिति है, हडबे में है, इसके बाद में पोडलर में फरारगंज है, फिर आपके बाद में रंगत है, माया बंदर डिगलीपुर, ये 7 है। कोई किसी को एक रुपया का कोई पेपर लेने तक कभी आज तक हमको फंड नहीं दिया गया, भले हम लोग मांग के लेना पड़ता है, जैसे भी हमको या तो सड़क में धरना करना पड़ता है या तो कोई ऑफिसर का सामने हाथ बांध के मांगना पड़ता है अपना राइट्स को, तो इस तरह मांग के हम अभी स्टाफ कुछ लाए हैं, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दिक्कत है फंड रहेगा तो हमको काम करने का तरीका लोगों को बता सकते हैं, मेरे पास फंड आ गया, हम जो जेन्यून इशू है, जैसा बहुत सारा इशू है, अभी हम गांव में जाएंगे ना, गांव में बोलने से जैसा प्रधान क्या बोलता है कि सर ये तो आपका फंड में बनना है, जो ऐसा जो वर्क है ना वो वर्क आज बनना है, नहीं तो वो लोगों जो वहाँ पर जो डिपेंड जितने लोग हैं, जैसा मेरे एरिया में काफ़ी सारा लैंडस्लाइड एरिया है, काफ़ी साल पहले जो फुटपाथ बना, अभी फुटपाथ नाम ही नहीं है वहाँ पर, तो वो सब बना, लोग अभी भी मट्टियों में चल रहा है, सड़क नहीं है, इस तरह ड्रेन्स जगह है, कलवट चाहिए, इस तरह जो छोटे छोटे जो मूल जो लोगों को ज़रूरत है, तो ये रुकावट आ गया कि फंड आने का बाद ही बनेगा, लेकिन फंड कब आएगा, एक एक कागज में मिलता, अभी हमको असेट्स का रीजंडी मिली है, असेट मिला लेकिन वो भी हमको ना पंचायत का थ्रू से मेरे को एंडवर का थ्रू नहीं मिला, कोई तरह का बर्बली हम सुन रहे हैं कि आपका असेट है, आपका रेवेन्यू है हमारे पास में समिति का कुछ रेवेन्यू है, लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि ये मेरा रेवेन्यू है, मेरे को मालूम नहीं, मैं कैसे लोगों को बताऊंगा, लेकिन लोग हमको पूछते हैं कि ये असेट आपका है, ये असेट आपका है, मैं लोगों को कहने का लोगों को बोलने का उनको मैं अपना को कैसा मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, जब तक मेरे को सरकारी तरफ से समिति का तरफ से या प्रधान का तरफ से कोई या सेक्रेटरी का तरफ से कोई चिट्ठी मेरे को एंडवर नहीं मिला तब मैं कैसे मेरे को एसेट्स को आइडेंटिफाई करा दूँ। सर एक चीज़ मान के चलते हैं, आप लोग परेशान हो कि आज ये मीटिंग किया मीडिया के सामने आ रहे हैं, जी अच्छा हो इसकी उम्मीद करते हैं, अगर ना हुआ तो फिर हमको फिर अभी जैसे भी हम देख रहे अभी अंडमान में एक फैशन हो गया, आपको मांगना है तो सड़क में जाना है, हम थक गए अभी मांग के, 7 महीना हो गया अभी हम इलेक्शन लड़ने का बाद जीत के, लोगों को जवाब दे नहीं पाता, जैसा हमारा सीनियर मेंबर बोला 1-2 महीना देके रिजाइन करने का बहुत, हमने ऐसा स्टेप पहले भी लिया, हमारा प्रमुख मैडम भी हमेशा हमें से बोलते नहीं हम लोग रिजाइन कर देते भैया, रिजाइन करके हम लोग बैठ जाते, मतलब रिजाइन करना हमारे ये नहीं हमारा सोल्यूशन नहीं, हम लोगों के बीच में जाके हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से बात रखे, देखो लोग हमारे पीछे भरोसे में हमको वोट दे के जिताया है तो उनका हम कुछ ना कुछ काम करना है, तो काम करने के लिए हमको आपका सहायता चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, फंड आएगा तभी हमको काम कर, तो फंड जैसे आने को उम्मीद करते हैं, फंड नहीं आया तो फिर हमको कोई रास्ता गांधी जी का जो उनका मार्ग से हमको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि आज वही फैशन अंडमान में आप देख रहे हैं, जगह जगह में
आपको एक सिलेंडर भी आपको गांव में पहुंचाना है तो उसको धरना देना पड़ता है, पानी के लिए धरना देना पड़ता है, बच्चे का अच्छा शिक्षा के लिए धरना देना पड़ता है, सड़क के लिए धरना देना पड़ता है। तो ये नौबत नहीं होना, मैं ये मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को बात रखना चाहता है कि जल्द से जल्द हमारा जो डिमांड है फंड का ये जल्द से जल्द कर दे कि आने वाला नए साल में हम 2023 में एक उम्मीद के साथ में गांव के तरक्की के लिए हम लोग काम कर सकते हैं फंड। आम जनता ये सोच रहा है कि जो सरकारी जो तंत्र है वो सरकारी तंत्र में सब कुछ रहता करके, लेकिन वाकई में हम अंदर आने के बाद ही हमको मालूम रहता है कि हम क्यों चुनाव लड़े, क्यों जीते करके। अब ये जो फंड नहीं है इसके कारण मैं पब्लिक को बोलते हैं, लेकिन कुछ पब्लिक जो समझते हैं कि भाई इनका कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकली प्रॉब्लम है, उनका टेक्निकली प्रॉब्लम जब सुविधा ठीक होने के बाद में हम आए, लेकिन हर पब्लिक को हम यही चाहना मीडिया के माध्यम से यही चाहना कि आप लोग थोड़ा और थोड़ा सब्र करिए, क्योंकि सब्र करने का बाद थोड़ा अच्छा होगा। हम उम्मीद करते हैं, हमारा मेंबर है, आने वाले नए साल में एक अच्छा ऊर्जा का साथ में फंड के साथ में दोनों प्रधान जिला के साथ में एक मिल के एक टीम थ्री टायर जो सिस्टम है बेहतर काम होगा करके उम्मीद करते हैं। तो जिस तरीके से आपने प्रमुख और उपप्रमुख को सुना, उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई और ये उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द इनकी जितनी भी दिक्कतें हैं इनको प्रशासन दूर करें, इनको फंड दिया जाए, इनको भी जनता के सामने अपनी बातों को रखने का मौका मिले, क्योंकि जिस तरह आप सुन रहे हो कि जनता का सामना करने में भी प्रमुख हो, उपप्रमुख हो या समिति मेंबर्स हो, उनको काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जनता इस बात को नहीं समझती है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। जनता ये जानती है कि उन्होंने इनको चुना है, अब वो काम करें, मगर जब फंड ही नहीं है, इनके लिए कोई वर्क ऑर्डर ही नहीं है, तो ये काम कैसे करें। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इन पर ध्यान देगी और जल्द से जल्द समिति के जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं प्रमुख के, समिति के, समिति मेंबर्स के, इनको सुलझाया जाएगा, ताकि इनके साथ साथ जनता के काम में जो रुकावट आ रही है ये भी नहीं आएगी। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7, नमस्कार।